कोरिया जिले में सूदखोरों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने चर्चा के सूदखोर राजकुमार मिश्रा उर्फ राजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बता दें कि चर्चा कालेरी कर्मी देवदास ने आरोपी पर मामला दर्ज करवाया था। देवदास चर्चा के रहने वाले राजकुमार मिश्रा से एक वर्ष पूर्व फरियादी ने 30,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके एवज में फरियादी सूदखोर राजकुमार मिश्रा को तकरीबन 1 लाख से अधिक का ब्याज दे चुका है। फिर भी राजकुमार मिश्रा कालेरी कर्मी से ब्याज के रुपये की मांग कर रहा था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी के द्वारा बार बार इससे अधिक से अधिक ब्याज वसूलने के चक्कर में अपराध घटित किया गया है। 1 लाख से ज्यादा ब्याज की राशि वसूलने के बाद भी पिछले वर्ष 10 अक्टूबर 2022 को अपराधी के घर में डंडा लेकर घुसा और इससे जबरन भय दिखाकर ब्याज की राशि वसूलना चाह रहा था। अभी हाल ही में सितंबर 2023 में जब प्रार्थी के खाते में बोनस की राशि आई तो इस समय भी इसे धमकी चमकी दी गई है। इसमें चर्चा थाने में धारा 386, 452, 294 और 506 IPC और 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।